राजेंद्र प्रसाद घाट पर आयोजित भजन संध्या में डॉक्टर सोमा घोष ने अपने भजनों से श्रोताओं को झुमाया। राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित भजन संध्या के छठी संध्या पर प्रथम प्रस्तुति राहुल मुखर्जी एवं समूह की ओडिसी नृत्य आधारित गंगा स्तुति रही। इसके साथ ही कथक और ओडिसी का फ्यूजन भी प्रस्तुत किया गया। समापन राग भैरवी पर मोक्ष से हुआ। द्वितीय प्रस्तुति पंडित सुखदेव मिश्र के वायलिन एवं पंडित ललित कुमार के तबले की राग चारुकेशी मध्य लय में जुगलबंदी रही। अंतिम प्रस्तुति के लिए मंच पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष का भव्य स्वागत हुआ। गंगा तरंग रमणीय से आरंभ कर सोमा घोष ने काशी विश्वनाथ को समर्पित अनेक भजन सुनाए। उनके साथ श्रोता भी ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहे। हारमोनियम पर पंकज राय, तबले पर पंडित ललित कुमार, वायलिन पर सुखदेव मिश्र, कीबोर्ड पर संतोष ने कुशल संगत की। कलाकारों का माल्यार्पण और अंगवस्त्रम प्रदान अशोक कपूर एवं अयोध्या शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर लवकुश द्विवेदी ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। गंगा घाट के तट पर आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या संदेश देंगे? कितना प्यारा है ये कार्यक्रम, लगातार यहाँ पे चल रहा है 10 दिवसीय। देखिए, बनारस जो है ना, ये सारे जगह से अलग है। ये भगवान के त्रिशूल में बसा हुआ है, बना हुआ रस है। और यहाँ पर जितना शास्त्रीय संगीत की चर्चा होती है, मैं तो समझती हूँ शायद ही कहीं होती है। और यहाँ के लोग शास्त्रीय संगीत को दिल से महसूस करते, कहते हैं कि बनारस के कुत्ते को भी शास्त्रीय संगीत पता है, संस्कृत आता है, ये है बनारस। तो यहाँ बहुत खुशी होती है। और सबसे खुशी की बात है कि बचपन से जिस भोलेनाथ को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, आज वहाँ पर इतना अद्भुत नवनिर्माण हुआ है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। और उनके लिए ही आज ये भजन संध्या है, ये जो संगीत का प्रवाह बह रही है, सब उन्हीं के लिए है। मेरे पास भाषा नहीं है गंगा के किनारे, और ये संगीत, क्योंकि शिव से ही संगीत, शिव से ही सब संस्कार, संस्कृति, सब कुछ उनसे है।